धन्यवाद डॉक्टर प्रदीप जी। आज एक बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर आप सबको आमंत्रित किया गया है, और गंभीर विषय ये है कि कल ही एक बहुत ही कांग्रेस के एक बहुत ही सीनियर लीडर रणदीप सुरजेवाला जी ने हमारे एक बहुत ही प्रिय सांसद और सबकी चहेती हेमा मालिनी जी के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी की है, और एक सभा के अंदर इस तरह से टिप्पणी करना, इस तरह से संबोधन करना, और कहीं ना कहीं महिला शक्ति के बारे में इस तरह से बात रखना, ये दर्शाता है उनकी मानसिकता पर। ये पहला वाक्य नहीं है जब किसी महिला के ऊपर इस तरह से टिप्पणी की गई है। हर बार निरंतर कांग्रेस की नियत और नीति में नजर आता है कि वे किस तरह से महिलाओं के साथ व्यवहार करते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों पे एक उनकी नेत्री हैं सुप्रिया श्रीनाथे जी, जो स्पोक्स पर्सन है, खुद एक महिला हैं, और किस तरह से उन्होंने कंगना रनावत के ऊपर कहा कि भाई मंडी में भाव कैसे लगते हैं, महिलाओं के भाव कैसे लगते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कितने सालों तक इस देश को कहीं ना कहीं विभिन्न विभिन्न गवर्नमेंट्स के अंदर रूल किया है, और इनको इस देश की महिला शक्ति पर, इस देश की नारी शक्ति के ऊपर इस तरह से टिप्पणी करना अशोभनीय भी है, और कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता को दर्शाता भी है। यही नहीं, राहुल गांधी जी जो इस अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट समझते हैं और कहते हैं जगह जगह पर कि वे प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ऐश्वर्या राय जी, जो एक बहुत ही संपन्न परिवार से, अच्छे परिवार से बिलोंग करती हैं, और जिन्होंने इस देश के लिए अपना योगदान दिया है, ऐसे लोग, ऐसी मानसिकता कहीं ना कहीं उनकी छोटी सोच को दर्शाता है कि नारी शक्ति के ऊपर उन्होंने किस तरह से एक तंज कसा। पिछले दिनों किस तरह से शशि थरूर जैसे व्यक्ति हो, वो भी महिलाओं को कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे टिप्पणियां करते हैं कि वो टिप्पणियां सुनते हुए भी कई बार शर्म महसूस होती है। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूं कि जो महिलाओं के ऊपर टिप्पणियां उन्होंने की हैं, हेमा मालिनी जी ने अपने पूरे कैरियर के अंदर योगदान दिया है, नहीं अपितु समाज के अंदर भी योगदान दिया है, और उसके अंदर पूरे देश को गौरवित भी किया है। ऐश्वर्या जैसी हमारी नेत्री जिन्होंने सिर्फ अपना पश्चिम जो है देश में ही नहीं लाया, अपितु पूरे विदेश के अंदर भी उनकी ख्याति है। इस तरह की महिलाएं, इस तरह की हमारी नेत्रियां, इस तरह की हमारी नारी शक्तियां, जिनको पूजा जाता है, जिनको कहीं ना कहीं अग्रिम पीढ़ी में लाया जाता है, उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना अशोभनीय भी है, और कहीं ना कहीं हमारी सारी नारी शक्ति जो है पूरे देश के अंदर अपने आप जब ये जुड़ती है कांग्रेस के साथ, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हम किस सोच के लोगों के साथ जो है हम वोट करने जा रहे हैं। हम आह्वान करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने इन 10 सालों के अंदर महिला शक्ति को अग्रसर करते हुए हर एक ऐसा काम किया जो पूजनीय है, हर एक ऐसा काम किया जिसके अंदर महिला शक्ति को अग्रसर अगली पीढ़ी में लाने का काम किया।